पहली और दूसरी लहर के प्रकोप के बाद आज पहली बार सबसे कम मरीज मिले। नागपुर जिले में आए महज 3 नए मरीजों में से 2 शहर और 1 ग्रामीण का है। इससे मरीजों की कुल संख्या 4,92,816 पर पहुंच गई। वहीं लगातार 8 दिनों से मृत्यु की संख्या 10,115 पर स्थिर बनी हुई है। नागपुर जिले में कोविड का पहला मरीज 11 मार्च 2020 को मिला था। इसके बाद लगातार 3 महीने तक मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव देखा गया। जुलाई में कोविड की पहली लहर ने रफ्तार पकड़ी। सितंबर में यह लहर चरम पर थी। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लहर का असर कम होने लगा, लेकिन दैनिक मरीज संख्या 10 बनी रही। इससे जुलाई के बाद आज पहली बार मरीज संख्या 3 पर पहुंची है। इससे कोविड समाप्त हो गया क्या, यह सवाल पूछा जा रहा है। उधर दूसरी लहर का असर कम होने से पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.04% पर आ गया है। आज 20 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में कोविड के 227 सक्रिय मरीज हैं। कोविड की दूसरी लहर के अप्रैल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद मई में इसका असर कम होने लगा। 18 जुलाई तक दैनिक मरीज संख्या 15 से 20 के बीच बनी हुई थी। इसके बाद लगातार 7 दिनों तक 10 से कम मरीज और अब 5 से कम मरीज मिलने से स्वास्थ्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी काफी राहत मिली है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर और अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।